Welcome back on this PT.SC series with me, Shreyansh Nigam. I am the faculty for history on Ashish Malik IAS Academy YouTube channel. Hope so that you all are doing good and are completely safe at your home. So guys, इससे पहले हम लोग changing cultural traditions में three order complete कर चुके हैं और जो है उसके बाद आज हम लोग changing cultural tradition का part one complete करने के बाद आज part two पढ़ेंगे. ठीक है, part one we have done ऑफ चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन. ठीक है, सो आज हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे और इस पार्ट टू में कई सारी इटली से रिगार्डिंग बातें, यूरोप से रिगार्डिंग बातें एंड यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटिज्म से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस वीडियो. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस थ्री मेगा बैचेस जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं 27 जुलाई को. ठीक है, सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 2020 और 2021, ठीक है, तो इट विल बी अ बेस्ट चांस फॉर यू. एंड इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सो यू कैन यूज कोड आशीष मलिक 10 इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीस. ठीक है, ठीक है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए. आप जैसे ही आशीष मलिक 10 कोड यूज़ करते हैं देन यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन योर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीस. ठीक है, तो प्लीज़ डू रिमेंबर इट वाइल टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन. हियर यू कैन सी दैट यू कैन यूज़ योर अप्लाई कोड हियर एंड यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. After this, these books of current affair by Ashish Malik sir are very 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 much important for your current affairs syllabus and your paper. This Ashish 365 current affair book is divided in volume 1 and volume 2, which means कि काफ़ी ज़्यादा descriptive basis पे आपको पूरे हर एक issue इनसे related mock paper के साथ साथ questions, MCQ, मतलब हर एक चीज़ ईच नूक एंड कॉर्नर को ये टच करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. इसमें प्रीलिम्स के बेसिस पे और मेंस के बेसिस पे हर एक तरीके से प्रैक्टिस सेट दे करके रखे गए हैं. ठीक है, तो आप इसको परचेज़ करिए, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन. ठीक है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं. ओके, सो आई वुड लाइक टू टेल कि क्लास 11th NCERT हिस्ट्री वी आर कम्प्लीटिंग राइट नाउ एंड इन द फ्यूचर वीडियोज़ वी आर गोइंग टू कम्प्लीट ऑल क्लास 11th एज वेल एज 10th 9th ऑल द हिस्ट्री ऑफ NCERT. सो दोज प्रिपेयरिंग फॉर 2022 और 2021 कैन कम्प्लीटली फॉलो दिस सीरीज एंड ऑल्सो टेक देयर डेली डोज ऑफ हिस्ट्री जो कि डेली आपको 10 बजे सुबह मिलता है. ठीक है, सो इसमें आप अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते हैं, फॉलोइंग द सीरीज यू विल बी गेटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट अलॉन्ग विद द कवरेज ऑफ टाइमलाइन. मींस आपकी पूरी क्रोनोलॉजी पैरेलली चलेगी. एक साइड इवेंट्स में आपको समझा रहा हूँ, दूसरी तरफ आपको टाइमलाइन समझा रहा हूँ. एंड दीज ऑल थिंग्स आर कम्प्लीटली फ्री, नो कॉस्ट. देन इसके बाद प्रॉपर यूसेजेस ऑफ कीवर्ड्स अलॉन्ग विद द टर्मिनोलॉजीज एंड इन द फ्यूचर वीडियोज वी आर ऑल्सो डीलिंग विद सम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इवेंट्स. ठीक है, इसके बाद इफ़ यू हैव नॉट इफ़ यू डिडंट ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल येट, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गाइज यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर. यू विल गेट अ गुड एटमोसफेयर फॉर योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद यू विल गेट द PDF एंड e-notes. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आज के इस पार्ट टू की ऑफ चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग 14th to 17th century के बारे में मेनली बात करेंगे. ठीक है, तो ये तो थीम 7 है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं. देखिए यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला इशू मतलब सबसे पहला टॉपिक आता है वो है हमारा द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़. तो इटालियन सिटीज़ की यहाँ पे जिक्र क्यों आया है, उनके रिवाइवल की क्या ज़रूरत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन द हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉक्ट हुई होंगी, डिस्ट्रॉय हुई होंगी, तभी तो उनको रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में बेसिकली कवर करने वाले हैं. इसमें आप पीछे यहाँ पे इटली का मैप भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा, अलॉन्ग विथ इट्स सिटीज़. ठीक है, ऑलमोस्ट 18-19 सिटीज़ हैं जिनके बारे में बात करते हैं. उसमें भी कुछ यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं तुरिन, मिलान, जिनेवा, देन फ्लोरेंस, रोम, नेपल्स, अलॉन्ग विथ पेडुआ, वेनिस, ट्रिस्टी, वेरोना, ब्रिस्किया. तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट बारी ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी, टाउन्स थे इन इटली जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस टाइम के हिसाब से भी और आज के टाइम के भी हिसाब से भी. इसमें भी कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे. लाइक वी विल बी डीलिंग इन दिस पार्ट
अबाउट द फ्लोरेंस, अबाउट रोम, अबाउट वेनिस, ठीक है। सो इसमें ये आर्क एंड आर्कियोलॉजी के लिए, आर्क एंड ट्रेडिशन कल्चर के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया पार्ट वन में दैट वेनिस, फ्लोरेंस, रोम ये सब क्या थे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क प्लेसेस थी जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड वे में डेवलप हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं, आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर मैनी ऑफ द टाउन्स दैट हैड बीन पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स इन द इटली फेल इन टू रुइन। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब अच्छा जो मैंने आपको एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट में रोमन एम्पायर पढ़ाया था उसमें एंड ऑफ द थीम में ये भी बताया था कि कैसे जो रोमन साम्राज्य है उसका पतन किस तरीके से होता है, मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो फेल डाउन ऑफ द रोमन एम्पायर होता है, जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है रोमन एम्पायर में, वो पूरी तरीके से मतलब बर्बाद हो जाता है, वो जो मैंने आपको बताया था, तो कुछ ना कुछ इसी से कोरिलेट किया जा रहा है वहाँ पे। तो आप उस पार्ट को भी एक बार प्लीज़ देखिएगा, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। सो आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फेल हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था वो, तो जो बेसिकली इटली थी ना, इटली के पास भी कई सारे ऐसे कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे जो पॉलिटिकल कल्चरल सेंटर्स थे वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे, ठीक है। वो पूरी तरीके से रुइन हो चुके थे, दे आर कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड, नथिंग लेफ्ट ओवर देयर, ठीक। देर वर नो यूनिफाइड गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी जो वापस से उसको इस्टेब्लिश कर सकती, वापस से वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो गया था। और उसके बाद जो पोप एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इन रोम, रोम में जो पोप है जो कि अपने में तो एक संप्रभुत मतलब सोवरीन स्टेट था, बट जब अगर हम बात करते हैं यूरोप के बेसिस पे ना, यूरोप के बेसिस पे हम जब बात करते हैं, तो समस्त मतलब बेसिकली जो पूरा यूरोपीय राजनीति थी उसमें ये इतना मजबूत नहीं था। अगर हम यूरोपियन पॉलिटिक्स की बात करें, सो यूरोपियन पॉलिटिक्स में पोप वॉज नॉट ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड, ठीक है। अपने में तो अगर हम इंडिविजुअली पोप की बात करें रोम में, तो वो तो एक सोवरीन था, मतलब संप्रभुत था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द यूरोपियन पॉलिटिक्स, जब हम यूरोपियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तब वहाँ पे पोप का जो था वो इट वॉज नॉट ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पे, पोप जो था रोम में ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग पॉलिटिकल फिगर नहीं था। तो वाइल वेस्टर्न यूरोप वॉज बींग रीशेप्ड बाय द फ्यूडल बॉन्ड्स, जो कह सकते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके जो क्षेत्र थे वो फ्यूडल सिस्टम में, ठीक है, वो फ्यूडल सिस्टम के कारण जो है एक नया फॉर्म गेन कर रहे थे, एक कह सकते हैं एक नया रूप धारण कर रहे थे, एंड यूनिफाइड अंडर द लेटन चर्च, ठीक है। तो चर्च और फ्यूडल बॉन्ड जो थे वो कहीं ना कहीं उसके शेप में, उसके जो फॉर्म था वेस्टर्न यूरोप का, उसको अफेक्ट कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न यूरोप की, तो अभी तो मैंने बताया आपको वेस्टर्न यूरोप के बारे में, जो कि जिसमें कि एक नया चेंज आ रहा था बिकॉज ऑफ द फ्यूडल बॉन्ड्स एंड द लेटन चर्च। लेकिन अगर हम बात करें ईस्टर्न यूरोप की, तो ईस्टर्न यूरोप जो था वो धीरे धीरे बाइजेंटाइन एम्पायर में कन्वर्ट होता जा रहा था, समझ रहे हैं आप। तो जो पूर्वी यूरोप था वो बाइजेंटाइन साम्राज्य में क्या होता जा रहा था, शासन में बदल रहा था, ठीक। अगर हम बात करें इसके बाद तो इस्लाम की, तो इस्लाम जो था वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक नई सभ्यता हमें वहाँ पे देखने को मिलती है कि एक नई सभ्यता का निर्माण हो रहा है, दैट देयर इज़ अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिविलाइजेशन वी सी फर्दर वेस्ट, मतलब अगर हम जैसे यूरोप में और वेस्ट की तरफ जाते हैं, देन वी विल सी हियर देयर इज़ अ न्यू सिविलाइजेशन ग्रोइंग विच इज़ द इस्लाम, ठीक। इटली वॉज वीक एंड फ्रेगमेंटेड, इटली जो था मगर वो पूरी तरीके से कमज़ोर और पूरी तरीके से टुकड़ों में बट चुका था, उसमें कुछ भी नहीं रह गया था। इटली की जो बेसिकली जो संस्कृति थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, ठीक। हाउएवर इट वॉज दीज डेवलपमेंट्स वेरी डेवलपमेंट दैट हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर। लेकिन ये जो हमने अभी आपको बताया है डेवलपमेंट्स, लाइक जो वेस्टर्न यूरोप था इट वॉज रीशेपिंग ड्यू टू द फ्यूडल बॉन्ड्स एंड लेटन चर्चेज, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न यूरोप जो था इट वॉज कन्वर्टिंग इन टू द बाइजेंटाइन एम्पायर, एंड इस्लाम वॉज ऑल्सो अ न्यू कल्चर जो हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा रोमन साम्राज्य और इटली जो था वो बर्बाद हो चुका था, डिस्ट्रक्ट हो चुका था, वो अपने कहीं ना कहीं शेप में रीगेन आना शुरू हो गया था, उसमें मतलब रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया था। तो जो मेरा टॉपिक था यहाँ पर मैंने आपको बताया था
जो रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़ वो यही था, बिकॉज इटालियन सिटीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी, और ड्यू टू अदर यूरोपियन पार्ट्स लाइक वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन, कहीं ना कहीं इटालियन कल्चर जो था, इटालियन सिटीज़ जो थी वो रिवाइव होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, विद द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड बिटवीन द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज़, जैसे कि हमें वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ और बाइजेंटाइन एम्पायर के बीच में, जो बाइजेंटाइन कंट्रीज़ एम्पायर था और इस्लामिक कंट्रीज़ थी उनके बीच में हमें ट्रेड देखने को मिलता है, और जब इनके बीच में ट्रेड हो रहा था ना, तो उसकी वजह से हमारा जो पोर्ट्स थे कहाँ के, इटली के, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड हो रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे थे। हियर यू कैन सी द पोर्ट्स ऑफ द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड फ्रॉम 12th century एज द मंगोल्स, ये मैंने आपको नोमैडिक एम्पायर चैप्टर में मंगोल्स के बारे में बताया है, ओपेंड अप अ ट्रेड विथ चाइना वाया सिल्क रूट एंड एज अ ट्रेड विथ वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज ऑल्सो इंक्रीज। तो वहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और चाइना के साथ कहीं ना कहीं मंगोल और इन सब का ट्रेड जो था, ट्रेड रूट जो था, सिल्क रूट, सिल्क ट्रेड रूट मैंने आपको नोमैडिक एम्पायर में समझाया है, आप उसमें जा करके एक बार पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं जो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इटालियन टाउन प्लेज अ सेंट्रल रोल, देयर नो लॉन्गर सॉ देमसेल्व एज पार्ट ऑफ अ पावरफुल एम्पायर बट एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट। तो वहाँ पे इटालियन टाउन जो थे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं, और कोई भी कह सकते हैं कि वो अपने आप को किसी भी पावरफुल ग्रुप का हिस्सा ना मान के वो खुद ही एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट में अपने आप को घोषित कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ पे? बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था और इटली देश जितने भी थे उनके बीच में व्यापार बट रहा था, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊँ बिलिंगुअल बेसिस पे, तो वहाँ पे ट्रेड जो था, व्यापार जो था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, और उसकी वजह से जो बेसिकली इटली थी, इटली के जो कोस्टल इलाके थे, पोर्ट्स थे, तटीय बंदरगाह थे, वो सब पुनर्जीवित हो रहे थे, मतलब कि वो सब वापस से रिवाइव हो रहे थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें 12th century की, तो जो वहाँ पे मंगोल और चीन के साथ रेशम, जो बेसिकली जो सिल्क का जो रूट था वो वापस से वो इस्टेब्लिश हो गया था, सो उसकी वजह से ट्रेडिंग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में चल, और यहाँ पे मंगोल और चाइना में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिखती है। एंड देन इसके बाद जो वी कैन सी जो इटली है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, अलॉन्ग विथ दे नो लॉन्गर saw themselves as the part of the powerful empire but as an independent city state. तो कहीं ना कहीं इटली जो है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट के रूप में देखता है। टू ऑफ दिस, इसमें से दो जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि एक जो था वो फ्लोरेंस एंड दूसरा जो है ये है वेनिस, जो अभी मैंने आपको पीछे मैप में भी इतनी सारी सिटीज़ जो दिखाई उसमें से एक है फ्लोरेंस एंड एक है वेनिस, वेयर रिपब्लिक्स एंड ये बेसिकली जो फ्लोरेंस एंड वेनिस जो थे ये रिपब्लिक्स थे, रिपब्लिक्स मतलब क्या होता है, गणतंत्र, गणराज्य, एंड मेनी अदर्स वर द कोर्ट सिटीज़ रूल्ड बाय द प्रिंसेस। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है कि दैट जो आपका फ्लोरेंस है और वेनिस है, ये एक तरीके से गणराज्य हो जाते हैं, एंड एज वेल एज दे आर सो मैनी अदर कोर्ट सिटीज़ इस्टेब्लिश। ठीक, इसके बाद हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे सारे तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, लाइक इस्लाम के बारे में जितना भी है ये सारा का सारा इस्लाम के बारे में बताया गया है, इस्लामिक स्टेट्स हैं ये सारे के सारे। इसके बाद अगर आप इस जगह पे देखें, जो ग्रीन पोर्शन है ये सब आपका बाइजेंटाइन एम्पायर है, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे ये आपका इटली आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा ट्रेड रूट था, यहाँ पे इस तरफ आपका मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे चाइना है, तो ये पूरा सिल्क रूट, सिल्क रूट मैं आपको दिखा देता हूँ, सिल्क रूट आप देख लीजिए कि रहा आपका सिल्क रूट, ये पूरा क्या है, ये आपका सिल्क रूट है, ये आपका देखिए यहाँ यहाँ ऐसे पूरा मंगोलिया चाइना कवर करते हुए देन इसके बाद पूरा यूरोप की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा, तो ये पूरा आपका सिल्क रूट है, ये आपको थीम 5 में देखने को मिलेगा जो मैंने आपको नोमैडिक एम्पायर समझाया था। ठीक है, इसके बाद ट्रेडिंग जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती थी, ट्रेडिंग रूट्स क्या क्या थे। इसके बाद बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ वॉज वेनिस एंड अदर वॉज जेनेवा। तो बेसिकली वेनिस और जेनेवा जो है ये अपने आप को बहुत एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिटीज़ के थ्रू इमर्ज होती हैं, दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, द क्लर्जी वर नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंट हियर नॉर वर देयर पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स। यहाँ पे क्लर्जी जो थे, जितने भी मतलब रिलीजियस गुरु होते थे
और उसी तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स जितने भी होते थे वो जो भी मतलब बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो बिल्कुल भी उनका पावर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। कहाँ तो वेनिस और जेनेवा में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो फिर पावर होता किसका है, तो यहाँ पावर हमें देखने को मिलता है रिच मर्चेंट का, ठीक है। रिच मर्चेंट सैंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द सिटी एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट इवन वेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय द मिलिट्री डिस्पॉट्स द प्राइड फेल्ट बाय द टाउन्स पीपल इन बीइंग द सिटीजन डिड नॉट वीकन। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एट दिस टाइम क्लर्जी और फ्यूडल लॉर्ड्स का कोई भी डोमिनेंट रोल नहीं होता है, बिल्कुल पावर नहीं, पॉलिटिकल बेसिस पे कोई भी इन्रोलमेंट नहीं होता है उनका। उसी जगह पे होता किसका है, तो रिच मर्चेंट्स जितने भी होते हैं उनका, साथ में जो गवर्निंग सिटीज़ है उसको उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल मैटर्स में। हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट इवन, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जब जब वहाँ पे क्या था, तो मिलिट्री का जो कंट्रोल हुआ करता था तब भी वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित मतलब प्राइड फील करते थे अपने आप को वहाँ का निवासी बताने में, दैट आई एम द रेसिडेंट, ठीक। सो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली पॉलिटिकल साइंस अगर जिनका जैसे ऑप्शनल होता है तो वहाँ पे सिटी स्टेट आपको पढ़ने को मिलता है। सिटी स्टेट का वैसे मतलब जो होता है वो होता है नगर राज्य, ठीक है। नगर राज्य जो पॉलिटिक्स हमारा वर्ड है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स, उसमें एक वो जो जिस वर्ड से बना है वो है पोलिस, ठीक है, पोलिस। और उस पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये नगर राज्य से बना था और ये इसी में ही हम लोग को प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स ये सारे लोग देखने को मिलते हैं। वो बट अभी हमको डिस्कस नहीं करना है, जब डिस्कस करना होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली बात है वो है ये भाई साहब कार्डिनल गैस्पेरो, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब एमसीक्यू बनने के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया था, राइट्स अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ ए सिटी स्टेट इन द कॉमनवेल्थ द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। सो बेसिकली इनकी बुक थी जिसका नाम था द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। क्या नाम था गाइस, इस बुक को आप प्लीज़ एक बार नोट कर लें और इसको माइंड भी हो सकता है आपसे प्री पे क्वेश्चन बन जाए इनके नाम के साथ साथ और इसके इनकी बुक के साथ साथ। और इसके अलावा इस पैराग्राफ में रिगार्डिंग द पेपर कुछ नहीं है, बट हाँ यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हम इनकी वेनेशियन कॉमनवेल्थ जो बेसिकली जो इनकी सिटी थी वहाँ पे जो काउंसिल थी, ठीक है। सो विच ऑल द जेंटलमैन ऑफ द सिटी बींग वंस वंस पास्ट द एज ऑफ द 25 आर एडमिटेड। तो 25 साल से जो बड़े लोग होते थे उनको उसमें एडमिट किया जाता था, ठीक है। और इसमें हमको कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लगी बताने लायक, आप इसको पढ़िएगा, नथिंग इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस्पेरो को, ये रहे गैस्पेरो और साथ ही में इनकी किताब जो थी द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस इज़ द नेम ऑफ इज ऑफ द बुक, ठीक है। और ये लिखी किसने थी, तो कार्डिनल गैस्पेरो, रिटन बाय कार्डिनल गैस्पेरो, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन अगर बनता है तो आप ये बता सकते हैं, आप यहाँ पे पिक्चर इनकी देख सकते हैं। इसी तरीके से 14th एंड 15th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 14th से 17th सेंचुरी की बात करनी ही है, तो यहाँ पे एक छोटी सी टाइमलाइन है जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। बेसिकली यहाँ पे ह्यूमनिज्म हमें देखने को मिलेगा पैडिया यूनिवर्सिटी इटली में, देन इसके बाद पेट्रार्क जो है पोएट लॉरिएट इन रोम इन 1341। इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि जियोफ्री, मतलब वो तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यू विल यू कैन ऑल्सो कंसर्न इट विथ योर बुक, ठीक है। तो अब इसी समझ लीजिए इस टाइम लाइन के पैरेलली हम लोग इवेंट्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात करी गई है, तो चलिए पहले यूनिवर्सिटी के बारे में सारी बातें करते हैं। क्या है यूनिवर्सिटी यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप जो था बेसिकली अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी इन यूरोप हैड बीन सेट अप इन द इटालियन टाउन। इटालियन टाउन में सबसे पहले हमें यहाँ पे एक
ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें सो यहाँ पे अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी है तो मैंने आपको बताया कि यूरोप हैड बीन सेटअप इन द इटालियन टाउन, द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पैडुआ एंड बोलोगना हैड बीन द सेंटर ऑफ लीगल स्टडीज़ फ्रॉम द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के टाइम पे पैडुआ एंड बोलोगना दो यूनिवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे लीगल स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी मानी थी। लीगल स्टडीज़ मतलब कि जो लॉ रिगार्डिंग स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो विधि मतलब जो लॉ रिलेटेड जितनी भी डीलिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं उनको लीगल स्टडीज़ कहते हैं। और उनकी मेन दो सेंटर यहाँ पे इटली में हमें देखने को मिलते हैं 11th सेंचुरी, जिसमें एक थी पैडुआ और दूसरी थी बोलोगना। ठीक, कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी। अब इसका रीज़न क्यों था कि मतलब व्हाट वाज द रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पे लीगल लीगल बेसिस पे इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ी, तो बेसिकली कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी, वहाँ पे कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब जो ट्रेडिंग कॉमर्स ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द लॉयर्स एंड नोटरीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलिसिटर एंड द रिकॉर्ड कीपर। नोटरीज जो होते हैं वो नोट करते हैं अपने जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, लॉयर्स जो होते हैं उनको तो आप जानते ही हैं। टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटन एग्रीमेंट्स विदाउट विच अ ट्रेड ऑन अ लार्ज स्केल वॉज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ट्रेड जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। और नोटरीज जितने होते थे जो कि जो लेखा जो कल काम करते थे वहाँ पे, वो राइट डाउन करते थे कि क्या कितना इनपुट कितना आउटपुट, वो सारी चीज़ें रूल्स क्या हैं, रिटन एग्रीमेंट जितने भी होते थे उन सबको लिखने का काम करते थे। और लॉयर्स जो थे यहाँ पे अपना अलग जो है एग्रीमेंट बेसिस पे जितना भी काम होता था वो सारा करते थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सो लॉ वॉज देयर फॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। भाई ऑब्वियसली लीगल स्टडीज़ की अगर पढ़ाई हो रही तो वहाँ पर लॉ तो पढ़ा ही जाएगा। बट देयर वॉज नाउ अ शिफ्ट इन द एम्फेसिस, इट वॉज स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्लियर रोमन कल्चर। मतलब कि यहाँ पे रोमन कल्चर को वो बेस मान के और कॉन्टेक्स्ट के उसके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, और इसके बाद टू पेट्रार्क, जो पेट्रार्क हमारा सेकंड पॉइंट था, इफ़ यू हैव नोटिस्ड इन द टाइम लाइन टू पेट्रार्क एंटीक्विटी। ठीक है, टू पेट्रार्क एंटीक्विटी वॉज अ डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन विच कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। मीन्स कहने का यहाँ पे ये है कि जो पेट्रार्क होते थे ना, पेट्रार्क जितने भी होते थे उसमें जो पुराकाल होता था ना, पुरातत्व पुराकाल, उसमें इट बिकेम्स अ डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन विच कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन। मतलब ग्रीक्स एंड रोमन को एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर बनाया गया था, बेस बनाया गया था। ही देयर फॉर स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्लोज रीडिंग ऑफ द एंशियंट ऑथर्स। जितने भी एंशियंट ऑथर होते थे उन वो जितना एंशियंट ऑथर जो कुछ लिखते थे उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस डाला जाता था उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। इसी की अगर ऐसी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए टू योर फ्रेंड्स एंड एजुकेशनल ग्रुप्स। अलॉन्ग विथ यू कैन सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड ऑल्सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। टिल देन आई प्लीज़ बी सेफ एट योर होम एंड जय हिंद।